श्री शिवाय नमस्ते व्योम हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल सही स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही खास उपाय लेके आई हूँ। अगर आपके घर में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, धन अच्छे से नहीं आता, या आपका व्यापार चलते चलते रुक जाता है और नौकरी लगती है या नौकरी छूट जाती है, या व्यापार अच्छे से चलता है और एकदम पैसा आता है, पैसा इधर उधर निकल जाता है, पैसे की बरकत नहीं होती, या आपकी नौकरी लगी है और अच्छे से चल नहीं पा रही है, या नौकरी में जो पैसा आता है वो आपके हिसाब से कम है और धन लक्ष्मी की अच्छे से प्राप्ति नहीं है और धन में भी कम रुक रहा है। कहने का मतलब कि आपके घर में धन दौलत की कमी है। धन की अगर कमी हो रही है तो बहुत ही छोटे छोटे से खास उपाय करके अपनी ज़िंदगी और जीवन में बदलाव ला सकते हैं। धन की जो आपकी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं सिर्फ एक छोटे से उपाय से। तो आज ऐसे ही कुछ खास उपाय आपको बताऊंगी कि कपूर और लौंग के उपाय। कपूर और लौंग से वास्तु दोष भी दूर होता है, आपको बताइए। और कपूर और लौंग कभी भी पूजा संपन्न नहीं होती जब तक कपूर और लौंग की पूजा, हर एक पूजा में कपूर और लौंग जरूर चाहिए होता है क्योंकि भगवान को चढ़ता ही है। आरती के बाद कपूर जला के आरती समाप्त होती है, इसलिए तभी संपन्न हो संभव मानी जाती है जब कपूर की आरती होती है। और उसके बाद लौंग तो हर एक तंत्र मंत्र में भी काम करता है और मतलब पुराने शास्त्रों में भी कहा गया है कि कपूर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो कपूर इतना ज़्यादा कामयाब है और उसमें ऑटोमेटिक इतनी शक्ति होती है जो कि नज़र दोष और तंत्र मंत्र किया कराया हर एक चीज़ को वो दूर कर सकता है। तो किचन में अक्सर मिल जाता है लौंग और अक्सर खाने पीने में भी तड़का लगता है और खाते भी हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज ऐसे ही आपके घर का वास्तु दोष या धन की जो कमी चल रही है उन सब चीज़ों के ऊपर कपूर और लौंग के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपके घर में धन बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाता या प्राप्त होता भी है वो पैसा इधर उधर चला जाता है और बरकत नहीं होती, तो आज ऐसे ही कुछ बताऊंगी आपको छोटे से दो तीन उपाय, उसको ही करके अपनी हर एक समस्या से छुटकारा आप पा सकते हैं। खास उपाय शुरू करने से पहले आपको कहना चाहती हूँ कि अब तक मेरी वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकेंगे, वॉच कर पाएंगे और आपका मार्गदर्शन हो पाएगा। आप भी मेरी वीडियो से कुछ सीखना अगर चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन बटन के साथ सब्सक्राइब बटन आप दबा लें कि मेरे चैनल पर आप आ सकें और अपना हर एक खास उपाय देख सकें और अपना मार्गदर्शन कर सकें। और वीडियो को लाइक करने से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मैं भी आपके लिए वीडियो ऐसे खास उपाय के लाती रहूँगी। चलो आगे शुरू करते हैं आज का खास उपाय। आज आपके लिए ये खास उपाय है कि अगर आपके घर में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो धन की प्राप्ति कैसे करें, बरकत को कैसे रुक करें। माता लक्ष्मी अगर रूठ गई है, माता लक्ष्मी को कैसे मनाएं, तो आज ऐसे कुछ खास उपाय हैं कि आपने ये किसी भी शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन अगर आपके पास मान लो धन आ रहा है लेकिन कम आ रहा है या आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इस छोटा सा एक खास उपाय करें। एक ही आपको उपाय बताऊंगी कि आपने करना क्या है कि शुक्रवार के दिन आप एक पटरा ले लें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। बिछाने के बाद माता की जो भी मूर्ति है आपके पास, जो भी विग्रह है, आपने माता को वहाँ पर बिठा लेना है, माता लक्ष्मी को। बिठाने के बाद आप माता रानी की ऐसे ही पूजा करें जो कि आपने भोग लगाना है, अगरबत्ती धूपबत्ती जोत जो भी लगाना है, फूल चढ़ाने हैं, लाल रंग का फूल चढ़ा दे, गुड़हल का फूल चढ़ा दे या गुलाब का फूल चढ़ा दे, जो भी आपके पास है, लेकिन लाल रंग का फूल चढ़ाएं जिससे माता रानी खुश होती हैं। उसके बाद आपने माता रानी के आगे मंत्र का उच्चारण करना है, नो लौंग लेनी है और साथ में इलायची ले लें। लेने के बाद लौंग और इलायची माता रानी को भोग में चढ़ा दें। चढ़ाते हुए आपने मंत्र का उच्चारण बोलना है, धन प्रदाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः। इस तरीके का उच्चारण करते हुए माता रानी को आपने लाइची और लौंग का भोग भी लगा देना है। लगाने के बाद आपने कपूर जलाना है, कपूर जला के माता रानी की आरती भी कर लें। करते हुए आपने कपूर पूरे घर में घुमा देना है। जो भी आपके घर में नकारात्मकता फैली हुई है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मकता फैल जाएगी और एकदम ही आपके घर का वातावरण जो भी दूषित था वो एकदम सही होने लगेगा। इसको घुमाने से, कपूर को जला के घुमाने से पूरे घर का वातावरण ठीक होता है। अगर आपके घर में धन लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो माता लक्ष्मी खुश होती हैं
और धन की प्राप्ति होने लगती है। तो हर एक कोने में जो भी नेगेटिव भी फैली हुई है एकदम ही ठीक हो जाएगा और आपका घर में सकारात्मकता फैल जाएगी और बहुत ही अच्छा एनर्जी देना शुरू हो जाएगा और आपके घर का वातावरण भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप कपूर की धूमी लगा लें और साथ में जब आप कपूर जलाएं तो उसके साथ में 5 या 7 लौंग भी पूरे घर में घुमा कर जला दें। जलाने के बाद ही आप घुमाएं। जब आप ऐसा कर देंगे तो जो भी किया कराया होगा, जो भी नज़र दोष होगी आपके बिजनेस पे, व्यापार पे, वेबसाइट पे, एकदम ही आपका धन की प्राप्ति का स्रोत खुल जाएगा, आगमन होने लगेगा माता लक्ष्मी का और एकदम ही माता रानी आपसे खुश हो के और आपके घर में आने लगेगी। एक शुक्रवार ही आप करेंगे तभी आप फर्क देखने लगेंगे कि आपके घर में बरकत होने लग गई। जो भी आपका पैसा इधर उधर निकल जा रहा था वो पैसा रुकने लगेगा, टिकने लगेगा घर में। अगर आपके घर ऐसे करने से, एक बारी शुक्रवार के करने से अगर आपके घर में अगर फ़ायदा होता है तो आप ऐसे 1 से 2 बारी 7 बारी आप कर सकते हैं हर शुक्रवार के दिन, जब तक कि आपके घर में सब कुछ अच्छा ना हो जाए। तो ये पहला उपाय था। दूसरा उपाय आपको बता देती हूँ, अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, नई शादी होती है और पति पत्नी रहते हैं, उनमें आपस में बनता नहीं है, ये समझदारी नहीं होती, या पति पत्नी में बन रही है बच्चों में नहीं बन रही है, विवाद है आपके घर में, कले कलेश बना ही रहता है, ग्रह क्लेश बना ही रहता है, जो घर में जो भी मेंबर रहते हैं वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, अगर ऐसा कुछ भी होता है आपके घर में तब आपने करना क्या है कि आप सारे घर में घुमाएं लौंग को। घुमाने के बाद रात्रि के समय ये काम करना है, रात्रि के समय जब खाना पीना आप खा लेते हैं तब आपने अपने किचन घर में ये करना है, क्योंकि किचन अन्नपूर्णा माता का वास रहता है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी खुश होती हैं। और जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो किचन में ही हमारा वास्तु दोष बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं, कभी हमने तवा उल्टा कर दिया, कभी हमने कढ़ाई उल्टी कर दी, या कढ़ाई हमने सब्जी खाली करी और उठा के हमने उसी चूल्हे के ऊपर रख दिया, या चूल्हे को हमने साफ़ नहीं किया, रात्रि के समय हमने बर्तन नहीं साफ़ करे, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे कभी हल्दी का डिब्बा खाली है तो हल्दी नहीं है उसमें, कभी चावल का डिब्बा खाली है तो चावल नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इनएक्टिव चीज़ें हम लोग खुद से करते हैं, उसके कारण ही हमारे घर में कले कलेश बन जाता है और कुछ ना कुछ होता रहता है और हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि हमारे घर में किसी की नज़र लग गई है, या हमारे घर में तंत्र मंत्र कर दिया, या हमारे घर में कुछ ऐसा हो चुका है जो कि पैसे आने का स्रोत भी बंद हो चुका है और साथ ही साथ हमारे घर में विवाद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपने किचन घर में का ही ये उपाय करना है। किचन घर में आप या तो चांदी की कटोरी ले लें, चांदी की कटोरी है तो ठीक है, नहीं तो आप कोसा ले लें, कोई मिट्टी का कोसा ले लें, लाने के बाद आप उसके अंदर एक कपूर रखें, 7 लौंग अपने घर से घुमा के और किचन घर में पूरा घुमा दें। घुमाने के बाद जो बंदा ज़्यादा, जो व्यक्ति ज़्यादा क्लेश करता है उसके ऊपर से 7 बारी घुमाएं वो लौंग को, और किचन घर में ही रात्रि के समय पूरा किचन साफ करके, बर्तन वगैरह साफ करने के बाद ये रात्रि के समय ये काम करके और आप सो जाइए। उसके बाद देखेंगे कि ऐसे करके 2-4 बारी आप करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे धनलक्ष्मी का भी आगमन होना शुरू हो गया, धनलक्ष्मी भी आपके घर में रुकने लगी, और जो इंसान को गुस्सा आ रहा, जिस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता था वो एकदम ही क्लेश करता था, वो एकदम शांत होने लगेगा और आपके पति पत्नी में या और लोगों में भी आपका संबंध बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और आपके घर में प्रेम भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा कले क्लेश का। अगर आपके घर में किसी के ऊपर शरीर पे बाधा है या बहुत ज़्यादा बीमारियां, तब आप क्या करेंगे, तब आपने करना क्या है कि आप 7 लौंग ले लें, 1 लोटा जल ले लें, 1 लोटा जल और 7 लौंग, और आप थोड़े से 5 काली मिर्च ले लें और थोड़े से काले तिल ले लें। ऐसा लेके आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में जाना है, जाके आपने तीनों चीज़ें लोटे में डाल दें, लौंग, काली मिर्च और काले तिल, लोटे जो 1 लोटा जल ले गए थे उसमें डाल दिया। डालने के बाद आपने शिवलिंग पर चढ़ाते हुए अपनी प्रार्थना करते हुए कि जो भी आपके घर का कले कलेश है, जो भी आपके घर में धनलक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा, या आपके घर में कोई कार्य रुक जाता है, अटक जाता है, एकदम आप कुछ भी काम करने लग जाते हैं एकदम कार्य बनते बनते अटक जाता है, तो उस कार्य को बनाने के लिए, या आपके व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर वो जल चढ़ा दें, चढ़ा के आप आ जाएं। ऐसे 5 से 7 बारी करेंगे और शिव भगवान को अपनी सारी समस्या कहते हुए आपने वहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा अगर 7 दिन भी आप कर देते हैं तो आपका जो भी कार्य अटक रहा था वो एकदम कार्य बनने शुरू हो जाएंगे
आपके घर में माता लक्ष्मी भी खुश हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुवम का जाप करने से माता लक्ष्मी और माँ गौरी और साथ में शिव भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। मंगल कार्य जो भी रुक रहे थे आपके, वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके घर में ज़्यादा ही तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया है, या किसी के शरीर पे कोई दिक्कत है, या बीमार रहता है, या ऊपरी हवाएं, या कोई बाधा है, आपके घर में काली शक्तियों का वास है, ऐसा कुछ भी है, तब आपने करना क्या है कि 5 लौंग लेनी है और आपने 5 काली मिर्च लेनी है और बड़ी इलायची लेनी है और एक कपूर लेना है। कपूर लेके और आपने उसके अंदर सारी चीज़ों को जला देना है। आप ऐसा वो जो उपला आता है गाय की गोबर का जो उपला बनता है, आप उसकी आग बना लें, उस पे कपूर रख लें और साथ में आपने 5 लौंग, 5 काली मिर्च और 5 ही आप बड़ी इलायची ले लें। लेने के बाद उसको गाय के गोबर की धूमी में उसको जला दें और जला के पूरे घर में घुमा दें। ऐसा कर देने से आपके घर में नकारात्मकता जो भी फैली हुई है, जो भी ऊपरी हवा है, या किसी के शरीर पे कोई बाधा है, या कोई बीमार ज़्यादा रहता है, या तंत्र मंत्र किया है, या किसी ने कुछ भी कर रखा है, या आपका कार्य कोई रुक रहा है, तो वे एकदम बनने शुरू हो जाएंगे। जो तंत्र मंत्र किया है वो भी खराब रहती है और वो अगर बीमार है और ठीक नहीं हो पा रहा है, या किसी के शरीर पे बहुत ज़्यादा यानी मतलब कि बहुत ज़्यादा ही बाधा है उसके शरीर पे, ऊपरी हवा है जिसको कहा जाता है कि ऊपरी हवा है, अगर ऐसी कोई भी कोई दिक्कत है, कोई बाधा है, कोई ऊपरी हवा है, तंत्र मंत्र किया हुआ है, या तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो बेड पे ही वो व्यक्ति रहता है आपके घर का, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, तब आपने करना क्या है, उसके ऊपर से 7 लौंग उतारनी है। किसी भी शनिवार मंगलवार के दिन कर सकते हैं। उसके सर के पास से पूरा 7 बारी घुमा ले 7 लौंग को लेके, और ले जाके आप किसी भी चौराहे पर फेंक दें। ऐसा करने से उसके ऊपर जो शरीर पे बाधा होगी वो एकदम दूर हो जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है, कोई समस्या ज़्यादा है, आपके कार्य कोई भी अड़चन आ जाती है, रुक जाते हैं, तब आपने करना क्या है कि 7 लौंग लें, एक पान के पत्ते पे रखें। रखने के बाद 7 लौंग आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए और हनुमान जी को अपनी संकट कहते हुए वो चढ़ा दें। ऐसा करने से आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। तो ये कैसा लगा फीडबैक ज़रूर